हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी ने 2024 और 25 का कैलेंडर जारी किया है, उसका न्यू शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम का कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, कब से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ठीक है ना, और टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, एज कितनी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सब चीज़ के बारे में हम बेसिक टू हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम चलते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो एसएससी एग्ज़ाम नेम्स नोटिफिकेशन रिलाइज डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट और एग्ज़ाम डेट कब है, इन चारों पोर्शन के बारे में हम डिटेल वे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सो हम चलते हैं। पहली पोस्ट है हमारी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, ये भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है। इसका जो नोटिफिकेशन है 1 फरवरी को, और इसका जो फॉर्म भरने की ऑनलाइन डेट है 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में है, ठीक है ना। और इसकी जो एग्ज़ाम होने की संभावना है अप्रैल और मई के बीच में, मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट अप्रैल लास्ट वीक से स्टार्टिंग मई में संभावना है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एसएससी सीएसएल का फॉर्म। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मोस्टली बच्चे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं वो एसएससी सीएसएल का भी फॉर्म फिल करते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है 2 अप्रैल को, ठीक है ना, और इसका जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 2 अप्रैल टू 1 मई के बीच में है, ठीक है ना। और इसका भी एग्ज़ाम की डेट जो मेंशन किया गया है जून लास्ट वीक से जुलाई 1 के वीक में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है एसएससी एमटीएस की। एसएससी एमटीएस होता क्या है, ये नॉन टेक्निकल वैकेंसीज़ होती हैं, ये 10th लेवल की होती हैं आपकी। ये क्या होती हैं, 10th लेवल की वैकेंसीज़ हैं, 10th लेवल की वैकेंसीज़ हैं, ये 10th लेवल की वैकेंसी है, बट इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कहने को ये 10th लेवल की वैकेंसी है, लेकिन इनके पेपर का जो लेवल होता है वो सीजीएल के लेवल के बराबर होता है, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा 7 मई से 6 जुलाई के बीच में, कहने का मतलब इसकी स्टार्टिंग जो डेट है 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, 7 तारीख से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 6 जून है, ठीक है ना। इसका भी एग्ज़ाम आपको जुलाई के लास्ट वीक में, अगस्त 1 वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वैकेंसी एसएससी सीजीएल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैकेंसी, मोस्टली जो बच्चे तैयारी करते हैं सीजीएल की करते हैं, और सारी वैकेंसीज जो हैं एसएससी जो जारी करती है इसी के सिलेबस पे होता है, ठीक है ना, इसी के सिलेबस के आधारित पे होता है। तो इसका जो फॉर्म फिलअप होगा ये किया जाएगा 11 जून से लेके 10 जुलाई के बीच में, मतलब स्टार्टिंग डेट आपकी 11 जुलाई है, उसके बाद लास्ट डेट आपकी, सॉरी, स्टार्टिंग डेट आपकी 11 जून है और लास्ट डेट आपकी 10 जुलाई है। इसका जो एग्ज़ाम होगा सितंबर लास्ट वीक, अक्टूबर 1 वीक में देखा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, एसएससी जेई, ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है, टेक्निकल वैकेंसी है। इसका जो फॉर्म फिलअप होगा 29 फरवरी से 29 मार्च के बीच में, इसका भी एग्ज़ाम जो शेड्यूल है मई लास्ट वीक से जून स्टार्टिंग वीक में, ये टेक्निकल वैकेंसीज है। इसमें वही बच्चे भर सकते हैं जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की हो, ठीक है ना। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, एसएससी स्टेनोग्राफर। इसमें क्या होता है, स्टेनोग्राफर में थोड़ा डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपका इसमें कंप्यूटर बेस होता है, इसमें आपकी कंप्यूटर डिग्री, टाइपिंग भी मांगते हैं, ठीक है ना। ओके, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी मांगते हैं। तो इसमें जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट होता है, जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जिनके पास होता है वही बच्चे फिलअप करते हैं, ठीक है ना। इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है आपका 16 जुलाई से आपको स्टार्ट होगा, और उसके बाद 14 अगस्त लास्ट डेट है। ओके, ये 16 जुलाई से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त लास्ट डेट है। इसका भी एग्ज़ाम जो होगा सितंबर लास्ट वीक से अक्टूबर 1 वीक के बीच में देखा जाएगा, ठीक है ना। एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस, इसका जो एग्ज़ाम डेट है मई और जून में है, और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप डेट है आपका 15 फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद 14 मार्च को लास्ट डेट है। ओके, नेक्स्ट एसएससी जीडी, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। इसमें कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी होता है, जैसे लेंथ हाइट भी मांगते हैं, ठीक है ना, दौड़ भी होती है, ठीक है ना। तो जो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन प्रोसेस होगा इसका 27 अगस्त से 27 सितंबर, मतलब स्टार्टिंग डेट आपकी 27 अगस्त है और लास्ट डेट आपकी 27 सितंबर है। इसका भी जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी 1 वीक भी में देखा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब सारी वैकेंसीज़ है जिनका एग्ज़ाम कब होगा, डेट कब है। अब हम बात करते हैं इनकी आय सीमा के बारे में, ठीक है ना। तो जो एसएससी सीजीएल जो कंडक्ट कराता है या सीजीएल के थ्रू जो वैकेंसीज़ हैं पोस्ट वाइज,
18 से 32 साल एज है, पोस्ट वाइज एज मांगते हैं, ठीक है ना। ओके, किसी पोस्ट में 18 से 30 मांगते हैं तो किसी में 18 से 32 मांगते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपकी जो एज है 18 से 32 वर्ष है, पोस्ट वाइज है। आयु सीमा में जो छूट मिलती है एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है ना। ओके, चलते हैं हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मतलब किस वैकेंसीज में कितनी पोस्ट हैं, कौन सी वैकेंसीज में कितनी पोस्ट है, ठीक है ना। ओके, तो हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल। अब की बार 2024 और 25 में एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने की संभावना है, ठीक है ना। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अभी भी टाइम है, 7 से 8 महीना, वो अभी से फोकस करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएँ, ठीक है ना। ओके, और जो नए बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है एग्ज़ाम क्रैक करने का, ठीक है ना। तो अभी भी उनके पास टाइम है, जो इसके लिए एजबल हैं, जो योग्य हैं, वो फॉर्म को फिलअप करें, अभी भी इस टाइम को देखते हुए कि वैकेंसीज का भाई कितनी पोस्ट है इसकी बेसिस पे तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी, और जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। तो एसएससी सीजीएल में 35,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ओके, और नेक्स्ट एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में 4 पोस्ट होती हैं, एसआई की, एएसआई की, सीआईएसएफ की, एसीएफईएफ की, ठीक है ना। तो टोटल पोस्ट इसमें आपकी क्या है, 4300 है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट 4300 है, ठीक है ना। इसमें आपकी हाइट भी मांगते हैं, हाइट को भी मेंशन करते हैं, जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 और फीमेल के लिए अप्रॉक्स 160 के अप्रॉक्स 158 ऐसे कुछ है अप्रॉक्स मांगते हैं, ठीक है ना। इसमें आपकी दौड़ भी होती है, मतलब फिजिकल भी लिया जाता है एसएससी सीपीओ में, ठीक है ना। दो वैकेंसी एसएससी कंडक्ट कराती है, एक एसएससी सीपीओ होता है, ओके, एक एसएससी जीडी होता है जिसमें फिजिकल होता है, ठीक है ना। फिजिकल होता है, फिजिकल होने का मतलब आपकी हाइट भी लेते हैं, उसके बाद दौड़ भी होता है, ठीक है ना। तो उसका एक अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब एसएससी एमटीएस की बात करते हैं, एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल होता है, ये आपका 10th लेवल का होता है। जो बच्चे 10th क्वालिफाई हैं, जिनकी एज 18 साल है मिनिमम, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी में फॉर्म को वैकेंसीज निकालेगी, पहले 1198 वैकेंसीज हैं और दूसरी में 360 वैकेंसीज है, ये हवलदार की है, ठीक है ना। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई हैं और टोटल पोस्ट जो है 1558 पोस्ट हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्लियर हुआ। तो सीजीएल में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, काफ़ी टाइम बाद सीजीएल में इतनी ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना है, और मैक्सिमम 35,000, थोड़ा बहुत कम हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन अप्रॉक्स आप मान चलिए 35,000 वैकेंसीज आएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अभी से तैयारी शुरू कर दें और आने वाले 24 में अपनी एक सीट कन्फर्म करें, ठीक है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, SSC JEE। SSC JEE क्या होता है, ये टेक्निकल वैकेंसीज होती हैं। इसमें आप जो बच्चे डिप्लोमा किए होते हैं, इंजीनियरिंग किए होते हैं, उनके लिए होते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन इनका अलग से निकाला जाता है। सो इनमें अप्रॉक्स 1500 वैकेंसीज देखने की मिल सकती है। पिछले सत्र में इसमें वैकेंसी थोड़ी कम थी, अप्रॉक्स 1350 या 1400 थी, तो वैकेंसी थोड़ी बहुत गेन हुई है, ठीक है ना। तो ओके, तो ये वैकेंसीज हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं SSC JEE। SSC ने सबसे ज़्यादा वैकेंसीज SSC JEE में निकाला। इसमें दो कैटेगरी में आपकी जो मेल कैंडिडेट हैं, 67,364 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 67,364 पोस्ट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8,179 पोस्ट हैं। टोटल कितने, 75,543 पोस्ट। बहुत अच्छा मौका है जो बच्चे SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं, अभी उनके पास बहुत टाइम है, और अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाएँ, अभी उनके पास 7 से 8 महीने टाइम है। अगर वो अभी से पैटर्न को समझते हैं और चेकलिस्ट देखते हैं, कि पैटर्न समझने का मतलब है, पहले चीज़ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस क्या है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर में किस लेवल से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो राइट वे में चलेंगे, आपको किस रास्ते पे कहाँ तक जाना है, तभी आप तैयारी कर सकते हैं, कम टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं और सिलेक्शन के उतना ही करीब आ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर SSC JEE में मेल में इतनी वैकेंसीज है, 67,364, और फीमेल में 8,179, टोटल पोस्ट 75,543 पोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं SSC CSSL। अप्रॉक्स 2000 पोस्ट है, मतलब लमसम माना जाता है कि इसके अराउंड वैकेंसीज आएगी, इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है,
और जहाँ तक उम्मीद है कि वैकेंसीज ज़्यादा होंगे क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है और नोटिफिकेशन है। और जाहिर सी बात है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, SSC ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है और बहुत कम उम्मीद है कि जिस सिलेबस जो दिया गया है, सिलेबस आपका जो पैटर्न है SSC का जो 2023 में जो था वही है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है ना। ओके, तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके, तो आने वाले टाइम के लिए क्या चेकलिस्ट होगी, क्या बुक पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ठीक है ना, सेक्शन वाइज, ठीक है ना, इनके बारे में हम टोटल कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क के होते हैं, कितना टाइम होता है, कितने निगेटिव मार्किंग होती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, तब ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।